नेक्स्ट आपका दे रखा है फोर्थ पॉइंट करा है ग्लूकोज इंटू अरेबिनोज, किसका? ग्लूकोज को अब हमें अरेबिनोज में करना है, या हेक्सोज इंटू पेंटोज, हेक्सोज इंटू पेंटोज या रफ डिग्रेडेशन। ये तीनों एक ही है, एक ही रिएक्शन आपको इन तीनों में देनी है, ठीक है? एक ही नाम से ये रिएक्शन जानी जाती है। रफ डिग्रेडेशन भी इसी रिएक्शन को कहते हैं, हेक्सोज इंटू पेंटोज भी इसी रिएक्शन को कहते हैं, और ग्लूकोज इंटू अरेबिनोज। अरेबिनोज में कितने कार्बन होते हैं? पांच कार्बन होते हैं, ठीक है? तो इसलिए ग्लूकोज में कितने होते हैं? सिक्स। ग्लूकोज में सिक्स, अरेबिनोज में पांच, तो यही नाम यहाँ हो गया, ठीक है? ग्लूकोज में कितने थे? सिक्स, ये ग्लूकोज हो गया, और अरेबिनोज में कितने थे? पांच, ठीक? तो यही क्या हो गया, पांच, छह कार्बन से पांच कार्बन वाला बनाना है, छह कार्बन से पांच कार्बन वाला हमें बनाना है, ठीक है? तो हमने क्या ले लिया, सबसे पहले ये आपका आ गया ग्लूकोज, ठीक है? क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया, ठीक है? ग्लूकोज से हमें अरेबिनोज बनाना है, अरेबिनोज बनाना, मतलब इससे एक कार्बन हमें कम करना है। क्या करना है? एक कार्बन कम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमीन हाइड्रोक्साइड, एमीन हाइड्रोक्साइड की इसके साथ में रिएक्शन जब हम करा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जल। ये जो NH2OH लिखा हुआ है, NH2 और OH ये लगा हुआ है, इससे यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका जल निकल जाएगा, ठीक है? किस तरह से निकलेगा जल, ये दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O बाहर निकल जाएगा, बाकी CH और ये आपका NOH जुड़ा रहेगा, CH और NOH आपका यहाँ पर सेम इस तरह से आके आपका जुड़ जाएगा, NOH, ठीक है? NOH ये कहाँ से लग जाएगा, आपका कार्बन से, ठीक है? CH वाले से। तो ये आपका क्या लग जाएगा, इसको कहते हैं ग्लूकोज ऑक्सैम। क्या कहते हैं? ग्लूकोज ऑक्सैम। क्या होता है? ग्लूकोज की फॉर्म होती है जिसमें सिक्स कार्बन पे NOH ग्रुप आपके आके लग जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करते हैं और यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, ठीक है? एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है आपका कुछ इस तरह से, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। जब ये एसिटिक एनहाइड्राइड ग्लूकोज ऑक्सैम से अभिक्रिया करेगा तो कहाँ पर, ये कहाँ पर ट्रीट करता है, जहाँ पर आपका CHOH ग्रुप लगाओ, क्या लगाओ, CHOH ग्रुप लगाओ, ये वहीं पे जाके रिएक्ट करता है। तो इसका कितना भाग रिएक्ट करेगा इससे, CHOH यहाँ पर कितने लगे, तीन CHOH लगे, तो यहाँ से ये कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा यहाँ पर, और इसका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन बाहर निकल के यहाँ पर लग जाएगा इसके साथ में, ठीक है? अब हो जाएगा CH3COOH, क्या बन गया, उधर वाला भाग आपका CH3COOH बन जाएगा, और ये आपका क्या है, CH3CO, क्या है, CH3CO, CH3 और CO लग गया, और बाकी CHO तो आपका पहले से ही प्रेजेंट था, तो इसके कितने लग गए, दो, कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर आके लग गया, दो, और एक कहाँ लग गया, आके नीचे यहाँ पर लग गया, ठीक है, इस वाले किससे, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, और ये आपका लग जाएगा CHO पहले से है, और CH3CO ये वाला भाग, इतना भाग लग जाता है, ठीक है? CH3CO भाग आपका यहाँ पे जाके लग जाएगा, और बाकी यहाँ पर आपका जो CH और NOH दे रखा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है? हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यहाँ से तो आपका जल बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन आपके कहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से बाहर निकलेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, इसके साथ में चले जाएंगे, ठीक है? तो ये ग्लूकोज ऑक्सैम हो गया, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, आपका CN रह जाएगा, ठीक है? क्या रह जाएगा, CN रह जाएगा, इसकी दोबारा से रिएक्शन हमने करा दी, ये जो भाग आपका आया है इसकी रिएक्शन अब आप यहाँ से दोबारा से किसके साथ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करा दोगे, तो ऊपर क्या आपका CHOH लगा, नीचे यहाँ पर क्या लगा हुआ, आपका CH3CHOH का होल थ्रेड, क्या, CHOH का होल थ्रेड जो कि आपका पहले था, और एक नीचे आपका क्या होगा, CHO, क्या हो गया, CHO, ये यहाँ से पूरा आपका बाहर निकल जाएगा, एक और दो तीन और एक चार कार्बन रहेगा, तो एक कार्बन और दो तीन चार कार्बन और एक ये पांच कार्बन, तो जब ये इसके साथ इसकी रिएक्शन की तो क्या बन गया, CHOH का होल थ्रेड, ठीक है? तो यहाँ पर दो OH है और एक CHOH ये लग गया, तो ये तीनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है, होल थ्रेड बना दिया इन तीनों का, तीनों का, और एक जो आपका CN था इसका क्या बन गया, इसका CHO बन गया, CN का क्या हो गया, CHO हो गया, और साथ ही क्या निकल जाएगा, आपका AgCN निकल जाएगा, और पांच CH3OH, ये जो बचे हुए थे CH3OH, CH3
और सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये कितने बचे हुए थे आपके पांच, ये बाहर निकल जाएंगे ठीक है। और क्या बन जाएगा आपका इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं अरेबिनोज, अरेबिनोज कहते हैं जो कि फाइव में कार्बन युक्त होता है ठीक है, इसमें पांच कार्बन होते हैं। तो ये हो गया आपका अरेबिनोज, जितने भी आपके कन्वर्जन थे वो सभी को एक एक करके देख लिया, एक से कितने थे आपके चार तक कन्वर्जन थे ठीक है। तो इन कन्वर्जन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं आपसे, और ये जो आपके वेरी शॉर्ट होते हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं वन लेनियर क्वेश्चन में ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, और अगर आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उस पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।